हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का नौवां क्लास, जिसमें हम देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट मैं लेकर आती हूँ। और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्रेंड इस वीडियो का, ठीक है। फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, आपको जो है इजी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से जो है आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं फ्रेंड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है। और भी हम जो है इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? तो अदिश राशि के उदाहरण कौन से हैं? देखिए, इसमें जो है द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन और विद्युत धारा दिया हुआ है। तो ये जो है द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि का उदाहरण है, जबकि विस्थापन जो है सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। सदिश राशि क्या होता है फ्रेंड? वे राशि होते हैं जिनमें जो है परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं, ठीक है, उसको जो है सदिश राशि कहा जाता है। उसके उदाहरण क्या है? विस्थापन है, वेग, बल, संवेग, ठीक है, और रेखीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण क्या है? विस्थापन के उदाहरण है, ठीक है। वही और जो है जिनमें परिणाम सिर्फ होता है, दिशा निहित नहीं होता है, उसको जो है अदिश राशि कहा जाता है। उसका उदाहरण क्या है? द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा और चाल, दूरी, आयतन, ये सब जो है क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2, 4 किसमें दिया है? ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है, 1, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस की यानी कि दूरी की इकाई है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष जो है निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है, जो जो कि 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर है, ठीक है, 15 मीटर के बराबर होता है क्या? प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका जो है पार्श्विक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो पार्श्विक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है, ठीक है, यानी कि सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पार्श्विक है। और एक पार्श्विक का मान जो है 3.08 × 10^16 मीटर के बराबर होता है। तो ये जो है सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है फ्रेंड? मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ज्योति फ्लक्स के जो है मात्रक है ल्यूमेन, ठीक है, याद रखना। और इसका जो है सिंबल क्या है? इसको किससे दर्शाते हैं? IM से दर्शाते हैं ल्यूमेन को, ठीक है। ल्यूमेन क्या है? ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ज्योति फ्लक्स जो है एक प्रकाश स्रोत द्वारा सभी दिशाओं में प्रति यूनिट समय में, यानी कि सभी दिशाओं में जो है, जैसे कि प्रकाश है और सभी दिशाओं में प्रति यूनिट के उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा है क्या? ज्योति फ्लक्स, ठीक है। और ल्यूमेन जो है SI व्युत्पन्न इकाई है, ठीक है, SI मात्रक नहीं है, SI व्युत्पन्न इकाई है। जैसे कि ल्यूमेन जो है कैंडेला से लिया गया है, ठीक है, कैंडेला से व्युत्पन्न है, कैंडेला से लिया गया है ल्यूमेन को, ठीक है, SI मात्रक नहीं है, ठीक है, याद रखना, व्युत्पन्न इकाई है।
और जो कि सात आधार इकाइयों में से एक है। ठीक है, सात आधार इकाइयां हैं एसआई के। ठीक है, एसआई मात्रक के, जो कि उनमें से ल्यूमेन भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में लागू की गई। एसआई पद्धति के अंदर जो है अंतर्गत सात मूल मात्रकों को यानी कि एसआई मात्रकों को और दो सप्लीमेंट्री यूनिट यानी कि युत्पन्न इकाई या फिर आप कह सकते हैं संपूरक मात्रक। ठीक है, उसको जो है स्वीकार किया गया। कब किया गया? 1971 में किया गया। और सात मूल मात्रकों में से जो है पदार्थ की मात्रा के लिए मोल को, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल को उसको भी जो है 1971 में मान्यता दी गई थी। तब से जो है अभी तक मूल मात्रों की संख्या सात है। ठीक है, सात कौन कौन से हैं देखिए, लंबाई के लिए मीटर है। ठीक है, आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सात जो कि मूल मात्रक है। ठीक है, कौन कौन से? लंबाई के लिए मीटर जिसको सिंबल है एम, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम जिसका सिंबल है केजी, और विद्युत धारा के जो मात्रक है एसआई मात्रक है वो एम्पियर है जिसको ए से डिनोट करते हैं, और समय समय का जो है मात्रक वो सेकंड है जिसको एस से डिनोट किया जाता है, और ताप का मात्रक है केल्विन जिसको के से डिनोट किया जाता है, और ज्योति तीव्रता की मात्रक है कैंडिला जिसको सी और स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, और पदार्थ की मात्रा का जो है एसआई मात्रक वो मोल है जिसको मोल द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, याद रखना ये सात जो है एसआई मात्रक है जिसको स्वीकृति दी गई है 1971 में। ठीक है, और संपूरक मात्रक कौन से हैं यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो हैं, कौन कौन से? समतल कोण यानी कि उसका जो एसआई मात्रक है यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है, तो वो जो है रेडियन है जिसको रेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, रेडियन को रेड से दर्शाया जाता है, और ठोस कोण जिसको जिसका जो एसआई मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स है स्टेरिडियम है जो कि एस आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्टेरिडियम को जो है एस आर से डिनोट किया जाता है। ये दोनों रेडियन और स्टेरिडियम ये क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं यानी कि संपूरक मात्रक हैं। ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एस आई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एस आई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है फ्रेंड, ए इक्वल्स टू बी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, यानी कि ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी है। ठीक है, याद रखना त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है, यानी कि भौतिक राशि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो इकाई वही है यानी कि भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल जो है भौतिक राशि की इकाई है जो दाब की इकाई भी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जीएम काउंटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 1 kWh ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 3.6 × 106 J। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो चाल का मूल मात्रक है m अपॉन s।
नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रव्यमान, जो है भौतिक राशि प्राप्त की जाती है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है किसके बराबर होता है? 9.40 × तो 10^15 मीटर होता है। ठीक है, ये जो है पावर है, ठीक है, 10^15 मीटर होता है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ML -3 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की बीमा है? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा घनत्व, यानी कि डेंसिटी की जो है भौतिक राशि की बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को। न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, ठीक है, कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसे कहा जाता है फ्रेंड जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? तो उसका जो है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, यानी कि किसी चलती हुई वस्तु का वेग जो 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ये जो है न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको लिए जो है इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन लाते रहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि आपको जो है कंटेंट पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, भौतिक से संबंधित, रसायन से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित और छत्तीसगढ़ जीके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको कंप्लीट कराया जा रहा है इस चैनल द्वारा, और फ्री में PDF नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। तो थर्म किसकी यूनिट है? थर्म जो है उष्मा का यूनिट है, ठीक है, यानी कि हीट की यूनिट है थर्म, ठीक है, याद रखना। थर्म किसकी यूनिट है? उष्मा की यूनिट है, ठीक है, जिसको जो है थर्म को THm से दर्शाया जाता है, ठीक है, THm से दर्शाया जाता है थर्म को। उष्मा ऊर्जा की एक गैर एसआई यूनिट है, ठीक है, याद रखना, और 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि THm यानी कि थर्म, ठीक है, थर्म इक्वल्स टू 1 लाख, ठीक है, तो यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है, यानी जिसको जो है ब्रिटिश थर्मल यूनिट को BTU से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो THm इक्वल्स टू 1 लाख BTU, इसका जो है यानी कि थर्मल जो है, यानी कि एक थर्मल जो है 1 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। और देखिए, शक्ति का यूनिट किसे कहा जाता है? शक्ति का यूनिट कौन सा है? वॉट है, ठीक है। और प्रकाश का यूनिट कौन सा है? प्रकाश का एसआई यूनिट कौन सा है? कैंडिला है, ठीक है। और दूरी का एसआई यूनिट, दूरी का एसआई यूनिट जो है यानी कि एसआई मात्रक कौन सा है? मीटर है, ठीक है, याद रखना। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।